सौर मंडल का पांचवा सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। पृथ्वी से लगभग 384,362 किलोमीटर दूर चंद्रमा का धरातल समतल है और इसका व्यास 3476 किलोमीटर है तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/8 है। पृथ्वी के समान इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। सूर्य से परिवर्तित इसके प्रकाश को धरती पर आने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा ग्रह नहीं उपग्रह है। ग्रह और उपग्रह में फर्क होता है। चंद्रमा धरती का एक उपग्रह है। इसी तरह शनि, बृहस्पति तो आदि ग्रहों के भी उपग्रह अर्थात चांद है। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद से भी बड़े उपग्रह सौर जगत में मौजूद है। इनमें से सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह के पास कैलिस्टो स्थित है। इसके अलावा शनि का टाइटन और इयो भी चंद्रमा से बड़े हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा कैसे बना? चंद्रमा लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व धरती और थिया ग्रह मंगल के आकार का एक ग्रह के बीच हुई भीषण टक्कर से जो मलबा पैदा हुआ उसके अवशेषों से बना था। यह मलबा पहले तो धरती की कक्षा में घूमता रहा और फिर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर चांद की शक्ल में बदल गया। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए पत्थरों की जांच से पता चला है कि चंद्रमा और धरती की उम्र में कोई फर्क नहीं है। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक पाई गई है। क्या है चंद्रमा पर? चंद्रमा की खुरदुरी सतह पर बेहद अस्थिर और हल्का वायुमंडल होने की संभावना व्यक्त की जाती है और यहाँ पानी भी ठोस रूप में मौजूद होने के सबूत मिले हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार यह वायुमंडल विहीन उपग्रह है। नासा के LADEA प्रोजेक्ट के मुताबिक यह हीलियम, नियोन और आर्गन गैसों से बना हुआ है। चंद्रमा का सबसे बड़ा पर्वत दक्षिण ध्रुव पर स्थित लिवांटेज पर्वत है जो कि 35,000 फुट यानी 10,668 मीटर ऊंचा है। ऐसा है चंद्रमा का वातावरण। यहाँ का तापमान वातावरण एकदम शांत है लेकिन यहाँ तापमान में भारी मात्रा में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। चंद्रमा की सतह पर धूल का गुब्बार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंडराता रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका एक कारण अणुओं का इलेक्ट्रिकल चार्ज होना हो सकता है। ऐसा सूर्य वाली दिशा में ही होता है। यहाँ की धूल चिपचिपी है जिसके चलते वैज्ञानिकों के उपकरण खराब हो जाते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री वहाँ जाएगा तो उसके कपड़ों पर धूल जल्दी से चिपक जाएगी और फिर उसे निकालना मुश्किल होता है। दूसरी ओर चंद्रमा के पिछले भाग की धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं जो अंधकारमय है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन भी करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम क्यों है? चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती से कम इसलिए है, वहाँ पर मनुष्य का वजन लगभग 16.5% कम हो जाता है। यही कारण है कि व्यक्ति वहाँ आसानी से उछल कूद कर सकता है। चंद्रमा पर 1.62 मीटर स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण है। हालांकि गुरुत्वाकर्षण हर जगह अलग अलग होता है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल है तभी तो वह धरती के समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। एक दिन हमेशा के लिए छुप जाएगा हमारा चंद्रमा। वैज्ञानिक ऐसा संभावना व्यक्त करते हैं कि चंद्रमा हर वर्ष धरती से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। एक निश्चित दूरी होने पर चंद्रमा धरती की परिक्रमा करने में 28 दिन के बजाय 47 दिन लगाएगा। यह भी आशंका व्यक्त की जा सकती है यह चंद्रमा इस धरती से ज़्यादा दूर होता जाएगा तो धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और कक्षा से दूर होकर अंतरिक्ष में कहीं खो सकता है। ऐसे में धरती पर 3 माह 6 घंटे के लिए रह जाएगा, मतलब बाकी समय रात रहेगी। चंद्रमा से आसमान कैसा दिखाई देता है? धरती पर से हमें आसमान नीला और सफ़ेद जैसा दिखाई देता है तो उसका कारण है कि धरती पर
70% से अधिक जल है जो कि रिफ्लेक्ट होता है। इतनी अधिक मात्रा में जल होने के कारण धरती का वायुमंडल भी साफ और स्वच्छ है, लेकिन चांद पर ऐसा नहीं है। वहां धूल उड़ती रहती है और पानी ठोस रूप में कहीं कहीं पर ही है। ऐसे में वहां पर अधिकतर समय आसमान काला ही दिखाई देता है। चंद्रमा से धरती कैसे दिखती है? पूर्णिमा के दिन हमें चांद बड़ा और सुंदर दिखाई देता है। इसमें एकदम चमकदार सफेद रंग होता है, मतलब चमकीला चांद। धरती से चंद्रमा का 57% भाग ही देखा जा सकता है, लेकिन चांद पर जब खड़े होकर आप धरती को देखेंगे तो वह पूर्णिमा के चांद से लगभग 45 गुना ज्यादा चमकीला और नीला दिखाई देगा, और यह भी कि अपने मौलिक आकार से 4 गुना बड़ा भी दिखाई देगा। मतलब यह कि चांद से धरती को देखेंगे तो वे सभी धरती के सामने फीके पड़ जाएंगे, काफी बड़ी दिखाई देती है। प्रीत होते हैं ग्रहण। धरती पर जो सूर्य और चंद्रमा हम देखते हैं, यदि वह चांद से देखेंगे तो विपरीत दिखाई देंगे। मतलब यह है कि पृथ्वी पर अगर चंद्र ग्रहण लगा है तो चांद पर सूर्य ग्रहण होगा। ऐसे में पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण है तो चांद पर चंद्र ग्रहण होगा। चांद पर से धरती पर पत्थर लाए गए। चांद से लाए गए 3 छोटे छोटे पत्थरों को पिछले साल अमेरिका के न्यूयॉर्क में नीलामी हुई। नीलामी में ये पत्थर 8,50,000 डॉलर करीब 6 करोड़ रुपए में बिके। इन्हें 1970 में चांद पर भेजे गए रूसी लूना 16 मिशन के दौरान हासिल किया गया था। शुरुआत में यह तत्कालीन सोवियत संघ के अंतरिक्ष कार्यक्रम के दिवंगत निर्देशक सर्गेई पावलोविक पोरोनेव की पत्नी के पास थे। इन्हें पहली बार 1993 में नीलाम किया गया था। कहते हैं कि नीलम स्ट्रांग भी चांद से पत्थर लाए थे। ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।